ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। भोपाल से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बच्चियों के अगवा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ है। दिल्ली की फिजियोथेरेपिस्ट महिला डॉक्टर से तार जोड़े हुए नजर आ रहा है। महिला डॉक्टर को दोनों बच्चियां बेची थी, ये बड़ा खुलासा हुआ है। पहले भी खरीद फरोख्त ये गिरोह कर चुका है, करीब 9 साल की है महिला डॉक्टर, और ये बड़ा खुलासा हुआ दिल्ली से तार जुड़ते हुए अब नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को दो बच्चियां जो है अगवा कर ली गई थी राजधानी भोपाल से, उसके बाद पूरे नेटवर्क का अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली की महिला डॉक्टर से इसके तार जुड़े हुए हैं। और चलिए खबर पर अपडेट लेंगे, हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गया, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, जब भोपाल से मामले का खुलासा होता है उसके बाद दिल्ली तक तार पहुंच जाते, क्या लग रहा है ये गिरोह कितना बड़ा हो सकता है, नेक्सस इनका कितना बड़ा हो सकता है? फिलहाल खबर पर क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया है और उलझती नजर आ रही, क्योंकि अंतर्राज्य गिरोह ये माना जा रहा है। खासतौर से बात करें भोपाल में इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें खासतौर से दिल्ली की बात हो, हरियाणा की बात हो या बारामती उत्तर प्रदेश, तीन आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। खासतौर से 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जो 3 लोग हैं वो अलग अलग राज्य के हैं, केरल का, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो गिरोह है राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी काम करता है। खासतौर से 9 दुर्गा के समय जिस तरीके से 2 बच्चियों को अपहरण किया था, एक 8 साल की बच्ची, 11 महीने की बच्ची, इनको एक दिल्ली की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है उसका सौदा 3 लाख रुपए में किया गया था। तो इसके पीछे माना जा रहा है कि मानव अंगों की तस्करी को लेकर भी बड़ा खुलासा हो सकता है। लगातार जो भोपाल क्राइम ब्रांच है उस पर काम कर रही है, लेकिन बड़ी बात यही कि लग्जरी गाड़ी से, करीब 2009 मॉडल की एक लग्जरी मर्सिडीज बेंज है, उससे ये लोग घूमा करते थे, ताकि किसी को ये एहसास ना हो कि ये कुछ चोर या लुटेरे टाइप के हैं। कह सकते हैं कि एक समाज में, एक अच्छे वर्ग में घुलना मिलना कैसे हो, तो इसको लेकर महंगी गाड़ियों से अच्छे कपड़े पहनकर घूमा करते थे। और किस तरीके से जब 2 बच्चियों को अगवा किया तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, इनके पास से 2 बच्चे और बरामद किए गए हैं। तो पुलिस लगातार उस पर भी काम कर रही है कि आखिर 2 बच्चे कहाँ से आए थे। कहीं ना कहीं इसमें मानव अंग तस्करी का मामला निकलकर सामने आ रहा है और एक बड़ी गैंग काम कर रही है, अलग अलग राज्यों की गैंग। हालांकि मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ, केरल की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, दिल्ली की बात हो, 4 से 5 राज्यों के अलग अलग जो लोग हैं वो इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। और इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया है भोपाल, पिछले 8 महीने से 1 कमरे का जो घर है वो किराए पर ले रहे थे, लेकिन मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी गाड़ी से घूमा करते थे, ताकि लोगों के बीच घुलने मिलने में आसानी रहे और उनको पता भी ना चल पाए। यही कारण है कि बड़ी टीम के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। एक महिला डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट है दिल्ली की, उसको बेचने का सौदा 3 लाख में हुआ था। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच उनसे भी बातचीत कर रही, पूछताछ करेगी, और माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा और नेक्सस इसमें पकड़ा सकता है, अलग अलग राज्यों के लोग पकड़ा सकते हैं। लेकिन ये पुलिस की बहुत कह सकते हैं कि 24 घंटे में पकड़ने को लेकर शाबाशी पुलिस को मिल रही है कि 24 घंटे में पर्दाफाश किया, क्योंकि नवरात्रि का समय था, दशहरे का समय था, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में डर बढ़ता, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। और आने वाले समय माना जा रहा है और भी कोई बड़े अपराधी इसमें पकड़ा सकते हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं।